चन्ना मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। बाबा तो है वो, और बाबा की संपत्ति में पोते पर पोते लकड़ पोते जो जो कहिए सबका अधिकार होता है। होता है कि नहीं होता है? भारत के कानून, विश्व के कानून में तो है। बाबा की संपत्ति में सबका अधिकार है, ये तो हमको आपको मालूम है। तो हवा माँ शिव की, पानी उसका, धरती उसकी, पेड़ उसके, नदियां उसकी, समुद्र उसके, हम उसके, तो संपत्ति का भोग ले रहे हैं, संपत्ति भोग रहे हैं। लेकिन बाबा की संपत्ति में पोती का अधिकार है, लेकिन बाबा के ज्ञान में पोती का अधिकार है? जरा बता दीजिए। पोती बैठी हुई है ना मेरी। बाबा की संपत्ति में भारत का कानून इसको अधिकार देता है। मैं स्टेट ही रहा हूं। गर्भ में अगर बच्चा है, मां के गर्भ में अगर बच्चा है, तो उसको भी संपत्ति का अधिकार है, कानून है ये। इनको तो हमारी संपत्ति में अधिकार है, लेकिन जब तक ये ज्ञान लेना नहीं चाहे, क्या इनको ज्ञान हमसे मिलेगा? बाबा से गधा ही गधा रह जाएंगे। तो शिव से जब तक आप ज्ञान नहीं लेंगे, जिसने सृष्टि बनाई है, जिसने हम सबको बनाया है, जो रख रहा है, जो तोड़ रहा है, जब तक ज्ञान नहीं लेंगे, आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। संपत्ति तो भोगे रहे, हवा उन्हीं की है, हम भी उन्हीं के हैं, पानी भी उन्हीं का है, सूरज भी उन्हीं का है, बादल भी उन्हीं के हैं, सब कुछ तो उन्हीं का है, उसी परमात्मा की सृष्टि है। तो हम लोग भोग तो रहे हैं संपत्ति, लेकिन ज्ञान को भोगने के लिए, ज्ञान में हिस्सा लेने के लिए हमको आपको शिष्य की मानसिकता में जाना होगा, और उसी सत्ता को, उसी शिव को, उसी शिव को अपना गुरु बनाना होगा, ताकि ज्ञान में भी आपको हिस्सा मिले। संपत्ति में तो हिस्सा मिला हुआ है। नेक्स्ट। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देव महेश्वरा, इसमें तो सभी को गुरु बना बोला गया है, तो महादेव ही हमारे गुरु कैसे हुए? क्या? गुरुर ब्रह्मा, गुरुर देव, गुरुर, हाँ ठीक है, हम समझ गए, आगे पढ़ो ना। इसमें तो सभी को गुरु बोला गया है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, भाई साहब ने पूछा है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा में सब देवता को गुरु बनाया गया है, तो शिव को गुरु मानने की जरूरत? सब देवता तो गुरु है। भोजपुरी में वो कहावत बा, भक्चुनर है वो का हो। हाँ, जैसे मैं आया इस हॉल में आया तो इतनी बत्तियां जल रही थी कि हम चुनरा गए। हमने कहा बंद करो, मैंने तेज रोशनी में नहीं सूझना, भक्चोनर। अरे भैया वो संस्कृत है, उसका अर्थ ठीक से लगाओ ना, उल्टे कर दिया। गुरुर ब्रह्मा यानी गुरु ब्रह्मा हैं। साला संस्कृत में इसको जीरो आया होगा परीक्षा में। गुरुर ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा माने सृष्टि की को उत्पन्न करने वाली शक्ति, जिसको ब्रह्माणी शक्ति कहते हैं, उसके धारक देवता को ब्रह्मा कहते हैं। यानी गुरु के पास वो पावर है, वो शक्ति है, जिससे वो सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर जो करते हैं, वो गुरु के पास भी है। गुरुर विष्णु यानी गुरु विष्णु हैं, वैष्णवी शक्ति जिससे पालन पोषण संसार का होता है, उसके देवता विष्णु कहे जाते हैं। गुरु के पास यह भी पावर है जो विष्णु के पास है। गुरु देवो महेश्वरा, वो जो ईश्वर हैं, जो महेश हैं, चीफ कंट्रोलर हैं, महेश का मानी होता है नियंत्रक, वो भी गुरु को पावर है। यानी नहीं रहेगा तो आज जीव को कैसे उसे बनाएंगे? इसीलिए कहा जाता है गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु साक्षात परमात्मा है। भाई भाई तो पूरा ट्रांसलेशन है कि उल्टी दहलोस।
सीधा उसका अर्थ यही होता है, उल्टा अर्थ मत लगाइए। संस्कृत है और ये तमिलनाडु में तो संस्कृत मूल भाषा है, किसी से पूछ लीजिए। सिर्फ शिष्य बगिया का फूल तो नहीं बन सका, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि आप अपने चरणों के धूल तो कम से कम बना लीजिए। अच्छा, एक भाई ने कहा है कि शिव शिष्यता की बगिया का फूल तो मैं नहीं बन सका, आप अपने चरणों की धूल हमको बना लीजिए। हम तो अपने सारा धूरी हैं, हम हमारे पांव की धूल लेके क्या करेंगे। हमारे तो गुरु शिव हैं, उनकी धूल लीजिए तो कुछ काम भी बन जाए, कुछ जगत भी ठीक हो जाए और कुछ पारलौकिक जगत भी ठीक हो जाए। मेरी धूल लेके क्या करेंगे, जैसे आप हैं वैसे हम हैं, आप भी शिव के शिष्य हैं, हम भी शिव के शिष्य हैं, दोनों में कोई फर्क तो है नहीं। नेक्स्ट। मेरा बेटा शिव से को गुरु मानने के लिए तैयार नहीं, तो हाँ, क्या करें। एकदम ठीक है। एक भाई ने पूछा कि मेरा बेटा महादेव को गुरु मानने के लिए तैयार नहीं है, इससे बढ़िया बातें नहीं हो सकती है, छोड़ दीजिए। जो कहे ना, समझ लीजिए एक दिन वहां कहेगा, जो कहे हाँ चलो वो तो ठीक है, बाद में ना कह सकता है, और जो कुछ नहीं बोले ना हाँ ना ना ना, उस साला बड़ी खतरनाक होता है। जो ना कह दिया वो एक दिन हाँ कहबे करेगा, जाएगा कहाँ वो। तो बेटवा नहीं मान रहा है तो मानेगा एक दिन जरूर। अगर बेटवा कुछ कुछ नहीं बोलता है चुप, तो समझ लीजिए साला डेंजरस, कुछ नहीं करेगा ये। सिर्फ गुरु है ये समझते हुए भी मन अपना समझता नहीं है, लेकिन मैं अपना समझने के लिए करने की किसी को जरूरत नहीं है, मन समझने के लिए क्या करें। वही तीन सूत्र, आपका मन समझे कि शिव मेरे गुरु हैं, तीन सूत्र ही करने होंगे आपको, और मूलतः महादेव से दया मांगनी होगी। आप लोग तो नमः शिवाय करते नहीं होंगे, कोई करता है नमः शिवाय? कोई आदमी नमः शिवाय करता है? हाथ उठा तो। अरे साला सब झूठ बोलता है। अच्छा एक बात बताओ, जरा शांत हो जाइए भाई साहब। सांस जब भीतर आती है, हर एक आदमी की सांस आती है, सांस जब भीतर आती है तो नमः आया। अपनी गति में, आपको तेज कम नहीं करना है, जैसे सांस चल रही है उसी गति में। सांस जब भीतर आई तो नमः आया, सांस जब बाहर गई तो शिवाय गया। इसको रोज कौन कौन दुइये बार करता है, एके बार करता है, कौन करता है? सब करवे करता है। अच्छा जी राय, धन्यवाद भाई, करते हैं तो। सांस प्रश्वास पर नमः शिवाय करते हुए महादेव को याद करिए। आप दो मिनट से ज्यादा नहीं टिकिएगा, बाजार में मन चला जाएगा, इधर उधर मन चला जाएगा। नमः शिवाय को आपको टुकड़े टुकड़े में करना है सांस पर। एक बार किया, पांच बार, 11 बार से ज्यादा मत करिए। फिर 2 घंटा के बाद 2 बार कर लिया, फिर 3 घंटा के बाद 1 बार कर लिया, ऐसे ऐसे करके उसको टुकड़े टुकड़े में सांस पर। ऐसे ऐसे सांस मत खींचिएगा प्राणायाम की तरह, जैसे सांस चलती है उसी तरह से नमः आया शिवाय गया। उल्टा भी मत करिएगा, नमः ही भीतर जाएगा शिवाय ही बाहर जाएगा, उल्टा मत करिएगा। इसको करिए, करना चाहिए आपको, सोने के पहले जरूर करिए,
जागने पर कोशिश करिए कि हो जाए, होता तो नहीं है, साली चाय याद आती है, चाय शिव तो याद आते नहीं है, लेकिन जब भी जहाँ भी मौका मिले इसको करिए।